डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ एनपीओ। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हमने फर्स्ट लेक्चर में एनपीओ क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो समझा था, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं ये समझा था। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने फर्स्ट अकाउंट यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कंसेप्ट समझे थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, वो कैसे बनता है, ठीक है, उसमें क्या डेबिट में क्या क्रेडिट में आता है वो समझा था। आज हम लेक्चर नंबर 2 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखें, एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ परमार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट। तो हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट की है, यानी कि जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, चैरिटी के लिए काम करता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। एज ऑन 31 मार्च 2020 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रस्ट। ये 31 मार्च 2020 को जो फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है उसके लिए इंफॉर्मेशन दी है। करना क्या है इन इंफॉर्मेशन का, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो हमें ईयर जो 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है उसके लिए एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फर्स्ट लाइन में हमने लिख लिया, फर्स्ट लाइन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ गया। अब सेकंड लाइन में लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडेड ऑन, अब इसके आगे डेट आएगी। तो डेट क्या आएगी, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जो डेट दी हुई है वो डेट हमने लिख दी। अब क्वेश्चन आगे रीड करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब यहाँ पे पहली बात, हमने किसका अकाउंट बना रहे, एक चैरिटेबल ट्रस्ट का। तो चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन रिसीव होगा कि पेमेंट करेगी, तो ट्रस्ट है, इसको तो लोग डोनेशन देंगे और उससे ये काम चलाएगी। तो इसके लिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है वो एक रिसिप्ट है, पैसा मिला है। अगर पैसा मिला है तो जरा सोच के देखिए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कहाँ लिखेंगे। रिसिप्ट आती है डेबिट में, पेमेंट आते हैं क्रेडिट में, रिसिप्ट है इसलिए डेबिट में लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन में पहली एंट्री दी हुई थी डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये रिसिप्ट होती है इसलिए हम इसको डेबिट में लिख रहे हैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग अमाउंट देख लेते हैं कि अमाउंट क्या दिया हुआ है। तो अमाउंट दिया हुआ है 4 लाख रुपीस डोनेशन फॉर बिल्डिंग का, तो ये अमाउंट हम लिख लेते हैं 4 लाख रुपीस, ये अमाउंट हमने लिख दिया 4 लाख रुपीस। अब उसके बाद फिर अगली एंट्री, उसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते। तो पहली एंट्री को वापस समझ लेते। सबसे पहली एंट्री क्या दी थी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग यानी मतलब कि बिल्डिंग बनाने के लिए इस ट्रस्ट को डोनेशन मिला है, मतलब रिसिप्ट हुई। तो इसको हम कहाँ लिखे, हमने कहाँ लिखा है इसको, हमने रिसिप्ट साइड में लिखा, ठीक। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते, देखते नेक्स्ट एंट्री क्या है। तो नेक्स्ट एंट्री है परचेज ऑफ लैंड फॉर 50,000। तो हमने एक लैंड परचेज की है, लैंड परचेज की है मतलब ये रिसिप्ट हुआ कि पेमेंट हुआ। अगर हम लैंड खरीदेंगे, लैंड परचेज करेंगे, तो ये क्या है, पेमेंट करेंगे। लैंड खरीदी तो पैसा देना पड़ेगा, पेमेंट हुआ। अगर ये पेमेंट है तो इसको हम फिर पेमेंट साइड में दिखाएंगे। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, पेमेंट किस साइड दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में है पेमेंट साइड। तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय क्या था, लैंड परचेज, तो परचेज्ड लैंड। अब अमाउंट क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 50,000 रुपीज़, तो अमाउंट 50,000 रुपीज़ लिख देते हैं, ये 50,000 रुपीज़ हमने लिख दिया। तो इस संग से हर एक ट्रांजेक्शन लेते जाओ, ये देखो कि ये रिसिप्ट है कि पेमेंट है। रिसिप्ट डेबिट में आते हैं, तो अगर वो रिसिप्ट है डेबिट में लिख दो, अगर वो ट्रांजेक्शन एक पेमेंट है, पेमेंट क्रेडिट साइड में आते उसे क्रेडिट साइड में लिख दो,
ठीक, अगर वो रिसिप्ट या पेमेंट नहीं है उसमें, वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसको लिखेंगे ही नहीं फिर हम। ठीक है, तो अगले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, देखते हैं कि अगला ट्रांजेक्शन क्या है। तो अगला ट्रांजेक्शन है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ₹1 लेख। अब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जरा सोच के देखें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो ये क्या हुआ, रिसिप्ट है कि पेमेंट है? बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट करवाएंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये एक पेमेंट है, यानी हम इसको पेमेंट साइड में लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में क्या चीज़ थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था, तो बाय बिल्डिंग लिख सकते हैं हम, सिर्फ इतना इतना लिख दीजिए बाय बिल्डिंग। अमाउंट, अमाउंट के लिए जाते हैं, देखिए अमाउंट कितना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ₹1 लेख, तो अमाउंट में हम इसमें अमाउंट में ₹1 लेख लिख देते हैं, ये हमने अमाउंट लिख दिया। ठीक है, इस अंक से हर एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, पहले सोच रहे हैं कि ये रिसिप्ट है कि पेमेंट है, अगर रिसिप्ट है तो डेबिट में लिख देंगे, पेमेंट है तो क्रेडिट में लिख देंगे, इस अंक से हमको हर एक एंट्री में सोचते चले जाना है। ठीक है, अब अगली एंट्री देखें, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज किया है ₹70,000 का यहाँ पे, तो फर्नीचर परचेज किया है तो रिसिप्ट है कि पेमेंट है, फर्नीचर खरीदा है तो पेमेंट करना पड़ेगा, यानी ये पेमेंट है, पेमेंट है तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो ये क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय बाय फर्नीचर परचेज्ड, अमाउंट कितना था ₹70,000। ठीक है, इस ढंग से हम एक एक एंट्री रिसिप्ट पेमेंट में सोचते जाएंगे और लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है कि अगर क्वेश्चन सामने रखा हुआ हो ना तो उसको समझ में बहुत इजी रहता है, और अगर उसमें भी ये अगर हम करें कि एक एक एंट्री, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे आप क्वेश्चन अपने कॉपी में आपके पास हो उसमें आप पढ़ लीजिए, और साथ में कॉपी में फॉर्मेट बना लीजिए और उसमें आप भी साथ में लिखते जाओ, बीच बीच में वीडियो को पॉज करते जाओ और जैसे जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ वैसे यहाँ देखो भी और साथ में अपने कॉपी में खुद लिखते भी चले जाओ, इससे बहुत जल्दी आप कैच कर लोगे। आप क्वेश्चन ये कि आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आप क्या करें, तो या तो ये वीडियो पे जहाँ पे स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पे या तो वीडियो को पॉज करके वहाँ से आप नोट कर लो एक तरीका, या फिर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप चाहें तो जो ऊपर जो ये स्क्रीन चल रही है हमारी, ये स्क्रीन चलने दीजिए, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डाउन एरो करके आप उसमें डिस्क्रिप्शन को ओपन करके रखें, वहाँ क्वेश्चन भी देखते जाए, ऊपर स्क्रीन में ये स्क्रीन भी देखते जाए, नीचे क्वेश्चन पढ़ते जाए साथ में, सब समझ में आ जाएगा आपको, तो इस ढंग से आप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट एंट्री पर, तो नेक्स्ट एंट्री क्या है देखें, तो अगली एंट्री पे आ गए एंट्रेंस फीस, तो जो ट्रस्ट होते हैं, क्लब होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, इनमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, ये जब क्लब में मेंबर बनते हैं उस टाइम इनसे एंट्रेंस फीस यानी एडमिशन फीस लिया जाता है, तो फिर सोचो कि भाई एंट्रेंस फीस क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ कि पेमेंट हुआ, अगर रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में, पेमेंट है तो पेमेंट साइड में लिख देंगे, और अगर ये दोनों ही नहीं हुआ तो लिखेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे उसको। ठीक, तो यहाँ पर एंट्रेंस फीस एक रिसिप्ट है क्योंकि हमको पैसा मिला है ये हमको, ठीक है, तो इसको हम रिसिप्ट साइड में ले जाते हैं, तो ये रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड में लिख देंगे एंट्रेंस फीस, अमाउंट कितना था ये देख लेते हैं अपन, तो ये देखिए अमाउंट था ₹80,000। ठीक है, तो ये ₹80,000 हम लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया ₹80,000। ठीक, फिर अगली एंट्री पे चलते हैं हम, अगली एंट्री क्या है, सब्सक्रिप्शन ₹5 लेख, तो ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो क्लब के मेंबर्स होते हैं ना, ये क्लब के मेंबर एनुअली या मंथली जो भी जैसा भी क्लब का या सोसाइटी या ट्रस्ट का जो रूल हो तो उस रूल के हिसाब से इनको मंथली या वीकली या ईयरली डोनेशन देना पड़ता है, एक मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है, तो मेंबर्स जो मेंबरशिप फीस देते हैं ना वो सब उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, तो इस चैरिटेबल ट्रस्ट को अपने मेंबर से मेंबरशिप फीस यानी सब्सक्रिप्शन मिला है का मतलब क्या हुआ, ये रिसिप्ट है, अगर ये रिसिप्ट है तो कहाँ लिखेंगे इसको, हम रिसिप्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये रिसिप्ट में लिख देते हैं हम टू सब्सक्रिप्शन
ये सब्सक्रिप्शन, अब अमाउंट कितना है तो अमाउंट के लिए देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन के आगे अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपीस अमाउंट है, तो सब्सक्रिप्शन में हम 5 लाख रुपये अमाउंट लिख देते हैं, ये लिख दिया 5 लाख रुपीस। ठीक, उसके बाद में फिर अगली एंट्री देखते हैं, तो अगली एंट्री है हॉल रेंट रिसीव्ड, नाम से क्लियर है कि ये भी एक रिसिप्ट है, तो हॉल रेंट रिसीव्ड हुआ है 1,50,000, इसको भी हम रिसिप्ट साइड में लिख देते हैं, तो टू हॉल रेंट रिसीव्ड अमाउंट था 1,50,000, ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखें सैलरी पेड, सैलरी पेड, सैलरी का पेमेंट क्या, यानी ये एक पेमेंट साइड पेमेंट है, तो इसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय सैलरी, और अमाउंट कितना था एक बार फिर देख लीजिए, सैलरी पेड 95,000, तो अमाउंट 95,000 रुपीस हमने लिख दिया। अब अगली एंट्री पे चलते हैं, तो देखिए अगली एंट्री है अपकीप ऑफ ग्राउंड, अपकीप ऑफ ग्राउंड का मतलब जो ग्राउंड है ना उसकी मेंटेनेंस, उसका रख रखाव, तो ग्राउंड का जो मेंटेनेंस किया, जो उसको मेंटेन किया, घास वास वगैरह में पानी दिया और भी जो भी मेंटेनेंस था वो है, तो अब की बार ग्राउंड यानी ग्राउंड का मेंटेनेंस यानी एक ये पेमेंट हुआ, तो कितना अमाउंट है 15,000, तो इसको पेमेंट साइड में दिखा देते हम। ठीक है, तो पेमेंट साइड में बाय अप कीप आप ग्राउंड अमाउंट कितना था, तो अमाउंट वापस देख लीजिए, अब की बार ग्राउंड में 15,000 रुपीज अमाउंट था, ये हमने लिख दिया। फिर अगली एंट्री पे चलते हैं हम लोग, तो अब की ग्राउंड रेंट पे, उसके बाद अगला है रेंट पे अमाउंट कितना है 8,000, ये अब एक बार में देख लेते हैं, रेंट पेड 8,000, रेंट पे किया मतलब ये भी पेमेंट है, पेमेंट साइड में बाय रेंट 8,000 रुपीस ये लिख दिया हमने। उसके बाद में फिर अगला क्या है रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट। ठीक है, तो अगला हम रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट पे चलते हैं, पर उसके पहले एक छोटा सा अपडेट, जरा ध्यान दे के सुनो, ये जो हम एंट्री लिखते जा रहे हैं ना, तो अगर आप बीच बीच में हर एंट्री के बाद पहले थोड़ा वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन में एंट्री वापस से पढ़ो, क्या समझा है मन में फिर सोचो, और अपने नोटबुक में जो रिसीप्ट एंड पेमेंट आपको अपने अकाउंट बनाया उस पर लिख लो, तो अगर इस ढंग से आप लिखेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, और जितने कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, अभी इनिशियल लेक्चर्स चल रहे हैं, जितने कंसेप्ट आप क्लियर होंगे ना, आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कौन सी एडवांस प्रॉब्लम आ गई, आपको हर क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन दिखेगा। बस आपको करना ही है लेक्चर्स ऑर्डर में देखने हैं, जो जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनको 100% फॉलो करना है, और आपको अपना 100% देना है, कंसंट्रेशन के साथ बैठकर क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अगली एंट्री पे चलते हैं हम, तो हॉल रेंट हो गया था, अब की वो ग्राउंड हो गया था, रेंट पेड हो गया था, रिफ्रेशमेंट रिसीप्ट से 12,000 रुपीस, रिफ्रेशमेंट रिसीप्ट से, नाम से ही क्लियर है कि ये रिसीप्ट से, तो इसको रिसीप्ट साइड में हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो अगली एंट्री क्या है वो देख लेते हैं हम, तो नेक्स्ट एंट्री है ये क्वेश्चन में जाए, रिफ्रेशमेंट रिसीप्ट 12,000, ये एक रिसीप्ट है, ये रिसिप्ट है, तो इसको हम रिसिप्ट साइड में ले जाते हैं, तो ये टू रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट अमाउंट कितना 12,000 रुपीस ये लिख दिया। उसके बाद में अगली एंट्री क्या है देखिए, रिफ्रेशमेंट पेमेंट, यहाँ पे आ गए थे हम, रिफ्रेशमेंट पेमेंट्स कितना है 10,000 रुपीस, तो इसको हम पेमेंट साइड में ले जा रहे हैं, नाम से क्लियर है, समझाने की जरूरत नहीं है, रिफ्रेशमेंट पेमेंट्स नाम से क्लियर है कि ये एक पेमेंट है, तो क्रेडिट साइड में ये पेमेंट्स 10,000 रुपीस हमने लिख दिए। ठीक, उसके बाद में अगला देखें ग्रांट रिसीट्स, ग्रांट रिसीट ये क्या होता है, ग्रांट रिसीट तो ये जो ट्रस्ट होते हैं ना, जो चैरिटी के लिए काम करते हैं, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इनको अक्सर कई जगह से ग्रांट्स मिलती है, मतलब हेल्प मिलती है, मतलब सहायता होती है, तो कहीं से इनको हेल्प में सहायता में कुछ पैसे मिले होंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रांट। ठीक, तो इनको हेल्प मिली है, रिसीव हुई है, ग्रांट मिली है, मतलब ये एक रिसिप्ट है, अगर ये रिसिप्ट है तो इसको हम रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो ये रिसिप्ट साइड में लिख देते हैं टू ग्रांट रिसीव्ड
अमाउंट देख लेते हैं कितना है। ग्राउंड रिसीव का अमाउंट है 80,000 रुपीज़, ये हमने लिख दिया। फिर अगली एंट्री क्या है, लाइब्रेरी बुक्स। अब लाइब्रेरी बुक्स का तो मतलब क्या हुआ, तो भाई चैरिटेबल ट्रस्ट में अपनी कोई लाइब्रेरी होगी, उसके लिए बुक्स परचेस की है, इसका ये मतलब है। तो असीट वो तो असीट कोई कोई बुक सेलर तो नहीं है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो लाइब्रेरी की बुक सेल करेगी, वो क्लियर दिया होगा अगर होगा अभी तो ऐसा। तो अदरवाइज हमको ये मानना कि लाइब्रेरी की बुक्स परचेज की गई है, बुक्स परचेज की गई है ये मानना है, यानी ये एक पेमेंट हुआ, यानी कि ये क्या है, एक पेमेंट है। लाइब्रेरी बुक्स परचेस की है 75,000 रुपीज़ के लिए, तो इसको हम पेमेंट साइड में दिखा देते हैं, बाय लाइब्रेरी बुक्स 75,000। उसके बाद फिर अगली एंट्री देखते हैं, परचेस 9% गवर्नमेंट बॉन्ड। ये तो नाम से क्लियर है कि परचेस किया है, यानी ये एक पेमेंट है। वैसे लिखा क्या है, 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस किए, यानी गवर्नमेंट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ये भी एक पेमेंट हुआ, इसलिए इसको भी हम पेमेंट साइड में दिखा देंगे, बाय परचेस ऑफ 9% परचेस ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अमाउंट। तो अमाउंट के लिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अमाउंट है 40,000 रुपीज़, ये हमने 40,000 रुपीज़ लिख दिए, ठीक है। अब अगली एंट्री के लिए, तो अगली एंट्री के लिए अगर क्वेश्चन में जाए ना, तो देखें तो ये क्वेश्चन की लास्ट एंट्री थी। तो सारी एंट्रियाँ करने के बाद अब हम क्वेश्चन को क्लोज कर रहे हैं। तो क्लोज कैसे करेंगे, पहले दोनों साइड का टोटल लगा लेंगे। तो देखें डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 12,22,000, ये डेबिट साइड का टोटल है, और क्रेडिट साइड का टोटल है 4,63,000, यानी कि कम किस साइड है, क्रेडिट साइड में कम है। कितना कम है, तो डेबिट साइड का टोटल देखो कितना है, 12,22,000 रुपीज़। तो डेबिट साइड का टोटल कितना है, 12,22,000, माइनस क्रेडिट साइड का टोटल कितना है वो भी देख लीजिए, 4,63,000। तो क्रेडिट साइड में जितना कम था ये लिख दिया हमने, ये इसको बैलेंस बोला जाता है, जितना डिफरेंस है इसको बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 7,59,000 रुपीज़, ठीक है। तो इस ढंग से स्टूडेंट्स ये था एक क्वेश्चन हमने लिया, उस क्वेश्चन के थ्रू हमने देखा कि कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। रिसिप्ट सब डेबिट में लिख देनी है, जितने पेमेंट से क्रेडिट में लिख देना है और बैलेंस निकाल देना है, बस इतना। और अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा आ जाए जिसमें ना वो रिसिप्ट है ना पेमेंट है, या ना कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसको लिखना ही नहीं है, बस इतना सिंपल होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस ढंग से डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन था, अगर नहीं लिखा हो तो उसको लिख लीजिए और उसको फिर से सॉल्व कर लीजिए, नहीं समझ में आए तो वापस से एक बार लेक्चर को देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ आएगा, ठीक है। इसकी खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। अब आप क्या कीजिए कि कोई सी भी बुक ले लीजिए, टी एस ग्रेवाल की बुक ले लीजिए, एस सी शर्मा की बुक ले लीजिए, वैसे मैं एस सी शर्मा को प्रेफर अभी करूँगा इन दिनों में, पहले बाद में फिर ग्रेवाल की बात पे भी आएंगे। तो उसके अंदर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप कर लीजिए, जहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट पूछा है शुरू शुरू के क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। Thank you, students.